हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट CMI। CMI मीन्स है चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, जिसकी हम 2022 के एडमिशन प्रोसेस के बारे में कंप्लीट के अंदर चर्चा करेंगे कि कब उसका एंट्रेंस एग्जाम होगा, क्या उसका एडमिशन प्रोसेस है। अब जिन बच्चों को पता नहीं है कि ये CMI क्या चीज़ है, सो दिस इज एन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, दिस इज पावर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पब्लिक कॉर्पोरेट अफेयर्स। ओके, सो उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। और ऐसे कॉलेजेस बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, जस्ट लाइक मैंने एक वीडियो बनाया है जो हमारा जो ISI है और CMI है और IISc बेंगलोर है और एक दो और कॉलेजेज हैं ऐसे जो ऐसी अच्छी अच्छी डिग्रियाँ करवा रहे हैं। सो आप इनको टारगेट कर सकते हो, ठीक है। इसके एडमिशन प्रोसेस और इसका जो भी टेस्ट होता है और एग्जाम डेट, एडमिशन प्रोसेस पूरा टोटल कंप्लीट डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज चेन्नई मैथमेटिकल, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ओके, सो जैसे अपन अभी चलते हैं इसके कौन से प्रोसेस पे चले, एडमिशन पे। सो स्टूडेंट्स, पहले तो सभी को ध्यान देना है कि आपकी जो 2022 की जो एग्जाम डेट है वो संडे को 22 मई को होने वाली है, दो फेज के अंदर 14 to 17, यानी कि 2 बजे से लेके 5 बजे तक। और जो इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो एटलीस्ट 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा और ये जो है एंड ऑफ फरवरी तक अनाउंस कर दिया जाएगा कि कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, मैं ज़रूर अपडेट करूंगा आपको जब भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है तो। ओके, और कौन कौन से कोर्सेज में अवेलेबल है एडमिशन। BSc होनर्स, BSc इन मैथमेटिक्स 3 साल का है, MSc इन मैथमेटिक्स, MSc इन कंप्यूटर साइंस, MSc इन डेटा साइंस, देन PhD अवेलेबल है। ओके, फिर क्या दे रखा है यहाँ पे, जस्ट देख सकते हो, देर इज कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बोथ द BSc होनर्स प्रोग्राम, यू नीड नॉट सेलेक्टेड योर कोर्स इन द टाइम ऑफ अप्लाइंग, द चॉइस कैन बी मेड आफ्टर एडमिशन, फॉर PhD इन फिजिक्स कैंडिडेट शुड बी रिटन टेस्ट JEST। ओके, जिन भी बच्चों को PhD में एडमिशन लेना है इन फिजिक्स, तो उनको जो है JEST का एग्जाम देना ही पड़ेगा, कंपल्सरी है ये। ओके, PhD इन फिजिक्स के लिए। सो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करते हैं, तो जिनको भी बच्चों को BSc इन मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में करना है, तो उनको एटलीस्ट 12th पास होना चाहिए, और जो भी बच्चों को मैथमेटिक्स फिजिक्स में करना है तो उनको भी जो है 12th पास होना चाहिए, और जो भी स्टूडेंट्स MSc मैथमेटिक्स करना चाहते हैं तो उनको अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए, और उनकी जो भी अंडर ग्रेजुएट के अंदर एटलीस्ट जो है मैथमेटिक्स अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि आप कोई सी भी BTech कर रहे हो, अगर आपके पास अगर आपने जो मैथमेटिक्स पढ़ा है तो आप MSc के लिए एलिजिबल है। देन ये सेम सिस्टम है इसके अंदर MSc कंप्यूटर साइंस में, डेटा साइंस में, और PhD के लिए भी सेम है, BE BTech, एंड देन PhD इन फिजिक्स के लिए आपको पता ही है, जस्ट फिजिक्स तो होनी चाहिए, प्लस आपको जो है JEST का एग्जाम देना पड़ेगा। ओके, और इसके और भी चर्चा कर लेते हैं। फॉर ऑल प्रोग्राम्स अदर देन PhD, फिजिक्स एप्लीकेंट्स विल टेक एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर 2021-22 टुक 1 अगस्त 2021। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट हुआ नहीं है, यह भी अपडेट हो जाएगा, एटलीस्ट मई जून तक होगा। ओके, जून में होगा। इसके कुछ सेंटर्स दिए गए हैं, ऑलमोस्ट इंडिया के टोटल जितने भी स्टेट हैं सभी के अंदर इसके सेंटर्स हैं, तो आप सेंटर देख सकते हो। और जो भी फिजिक्स वाले बंदे हैं उनका टेस्ट नहीं होने वाला, उनके जो है वो एटलीस्ट जो भी आपका JEST का एग्जाम होगा उसके मार्क्स के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। और अब इसकी अपन फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अपन ये देख लेते हैं और भी कौन कौन से प्रोसेस है इसके अंदर एडमिशन लेने के लिए। तो जो है आपको, अगर आपने ओलंपियाड फाइट किया है तो आप डायरेक्टली ले सकते हैं इसके अंदर, इन मैथमेटिक्स फिजिक्स कंडक्ट बाय HBSCE एंड द इंडियन कंप्यूटिंग ओलंपियाड कंडक्ट बाय IARCS एंड एग्जाम फ्रॉम राइटिंग द BSc एंट्रेंस एग्जाम, मोर डिटेल्स पब्लिक स्पेन। ओके, देन PhD का जो एडमिशन है ये जो है NBHM के जरिए भी लिया जाता है। ओके,
जी के स्टूडेंट्स हो, ये जस्ट उतना तो ज़्यादा नहीं है। अब अपन इसके फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा था कि ISI की जो फीस है वो बिल्कुल जीरो है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे फीस जीरो नहीं है, यहाँ पे कुछ फीस कुछ ज़्यादा ही है। ठीक है, सो स्टूडेंट, ये जो इंस्टीट्यूट है 1956 के अंदर 1956 में स्टार्ट हुआ था, और ये ओटलिस रिसर्च डिपार्टमेंट पे वर्क करता है। सभी को पता होगा ये जो भी कोर्सेस है, एटलिस रिसर्च टाइप ही कोर्सेस है। एंड दिस इंस्टीट्यूट इज हेडेड बाय प्रोफेसर राजीवा एंड इसके अंदर एक्सचेंज प्रोग्राम भी अवेलेबल है क्या, जैसे कि पेरिस फ्रांस इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड फॉर टीचिंग एंड रिसर्च इन मैथमेटिक्स रेगुलर एक्सचेंज ऑफ द विजिट माय फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स इच योर टॉप रैंकिंग सीनियर BSc स्टूडेंट्स फ्रॉम CMI एंड स्पेंड द समर एट ENS वर्किंग रिसर्च अपॉर्चुनिटी। जैसे कि प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स फ्रॉम CMI हैव गोन ऑन द फॉर द स्टडीज एट बेस्ट अकेडमिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एंड अब्रॉड जस्ट लाइक दिस, जैसे IIT बॉम्बे, हार्वर्ड, MIT एंड अदर अदर अच्छे अच्छे कॉलेजेज हैं। ओके, और कैंपस एंड हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, ये इसका कोर्स स्ट्रक्चर दिया गया है जो कि नॉर्मली जो इंडिया में चलता है वही कोर्सेस है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे अपन बढ़ते हैं। जैसे कि फीस स्ट्रक्चर, यार थोड़ा फीस वाला इसके अंदर सिस्टम थोड़ा ज्यादा ही है कुछ। इसकी जो ट्यूशन फीस है वो है 1 लाख पर सेमेस्टर, यानी कि अगर 1 साल के आपके कम से कम 2 लाख रुपए तो ट्यूशन फीस का लगेगा। देन आपके अदर चार्जेस कुछ अदर है। ओके, फीस नॉट मैटर, बट आपको ऐसा इंस्टीट्यूट इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। ओके, सो आप देख सकते हो। और अगर यहाँ पर कुछ ऐसा भी दिया गया, इन एडिशन ए लिमिटेड नंबर ऑफ फेलोशिप विल बी अवेलेबल विथ ए मंथली अलाउंस ऑफ RS 6,000। द एलिजिबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट टू रिसीव स्कॉलरशिप एंड फेलोशिप विल बी रिव्यूड एवरी सेमेस्टर। ओके, तो फीस इसका कुछ ज्यादा ही है। ओके, 1 लाख पर सेमेस्टर है, लेकिन प्राइवेट वालों की तो इससे भी ज्यादा होती है, उससे तो अच्छा ही है वैसे। अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है इसका। जैसे कि MSc के लिए आप देख सकते हो, आप MSc के लिए 2 लाख पर सेमेस्टर है। ओके स्टूडेंट्स, सो आपने इसके बारे में ऑलमोस्ट ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो जो भी बच्चे अंडर ग्रेजुएट वाले हैं उनको एटलीस्ट मार्च तक फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद इसके लिए वही बच्चे ट्राई करें जो कि मैथ के अंदर धुरंधर है, जो मैथ के अंदर बहुत कम मार्क्स आते हैं, नॉर्मल मार्क्स है, वो बिल्कुल भी ट्राई ना करें या फिर अपना टाइम पास बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सीट्स बहुत कम है। इंडिया का बहुत ही पुराना इंस्टीट्यूट है, तो जो मैथमेटिक्स में धुरंधर बच्चे हैं ना वही ट्राई करें। ओके, और फीस भी नॉर्मल नहीं है, और मतलब ऐसा बिल्कुल ना समझे कि जेई मेन वाले की तरह हलवा है, हलवा नहीं है। ओके, बहुत ही मेहनत का काम है गाइस। ओके, और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मतलब गजब है। ठीक है, रियली ऑसम, आई रियली लाइक इट। ओके, और बहुत सालों से चला रहा है, वेबसाइट पे विजिट करो, इसके बंदे कहाँ कहाँ पे भी वर्क कर रहे हैं, हार्वर्ड, IIM, टॉप एमएनसीज, ठीक है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, तो इसके लिए बहुत छोटी चीज है साहब। ठीक है, इसकी तो एटलीस्ट मतलब मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स का अपने लाइफ में इतना स्कोप है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अंडर रूट में A² + B² = 2 AB, वो वाला मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता।